जरा दिदारे करिए गुरु हरकृष्ण साहब दे, गुरु अष्टम बाल स्वरूप भये, सम कृष्ण स्वरूप दिखाए दिया, द्विज लाल के शंक निवारण को एक मूर्ख पास बुलाए लिया। कहंदे गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह अठवें स्वरूप दे विच बाल स्वरूप दे विच गुरु गद्दी ते सुभायमान हुंदे ने। गुर अष्टम बाल स्वरूप भये, सम कृष्ण स्वरूप दिखाए दिया, द्विज लाल के शंक निवारण को एक पंडित दे शंके दूर करन वास्ते एक मूर्ख पास बुलाए लिया। आपां सारे इतिहास तो वाकफ हां कि जदों एक पंडित नूं अपनी विद्या दा हंकार होया, मन विच सोचन लगा कि नाम ते हर कृष्ण है, कि ऐसे गुण भी इन्हां विच है ने, कोई ताकत भी है, कोई कला भी है विलखण रब दी दरगाह दी। मन विच शंका कीता कि जे हर कृष्ण ने नाम कृष्ण भगवान तो भी वड्डा रखिया होया ते फिर गीता दे अर्थ करके सुनो। हुण सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने उहदे शंकियां नूं दूर करन वास्ते एक मूर्ख पास बुलाए लिया ते सतगुरु ने किरपा कीती, सिर रख छड़ी गीता अर्थ सुने, उसे वक्ता खूब बनाए दिया, द्विज लाल के संसे नमिरत भये, गुर चरणों में आए निहाल किया। कहंदे गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह ने उहदे सिर ते छड़ी रख दित्ती, मेहरां वाली छड़ी दे नाल जदों उहदे कोलों गीता दे अर्थ सुनाए ते उहदे सामने वड्डे वड्डे विद्वान भी चुक गए। खालसा जी, संसार दियां किताबां संसार दे ग्रंथ पढ़ के कथा कर लैणी बहुत सुखैली हुंदी है, पर रब कथा करावे, रब बंदे विच आप आके बोले, उहदे लई कई जन्मां दा तप चाहीदा, कई जन्मां दा सिमरन चाहीदा, गुरु अगे निमरता चाहीदी है, झुकना आउणा चाहीदा। गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह ने जिथे उस छजू झीवर ते किरपा कीती, रहमत कीती, इतिहास विच उहदा नाम बोलिया जांदा है, उत्थे शंका करन वाले द्विज लाल के संसे नमिरत भये, गुर चरणों में आए निहाल थिया, पातशाह ने उहदे शंके दूर करके भी अपने चरणा विच जोड़ लिया। मेरे कहण तो मुराद यह है कि गुरु घर दे विच इह ताकत है, इह कला है, जो गुर शब्द नूं कमा लवे, गुर शब्द नूं सुन लवे ना, उन्हों फिर मंगना नहीं पैंदा, बिना मंगिया ही मुरादा पूरियां हो जांदियां।